दुर्गा के आगमन से सजता है नववर्ष, गुड़ी के त्योहार से खिलता है नववर्ष, कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार, संगीतमय सजता प्रकृति का आकार। चैत्र की शुरुआत से होता नव आरंभ, यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश में 4 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से ली जानकारी। कहा, 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का करेंगे शुभारंभ। 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिका घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को स्कूल भेजने के लिए करेंगे प्रेरित। रामगढ़ ताल में गिरने वाले गोड़धुइया नाले का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कहा, बरसात से पहले सभी नालों की सफाई का है लक्ष्य, शहर जलभराव से होगा मुक्त। अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शनिवार को नगर निगम व ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने एयरफोर्स चौकी से नंदा नगर क्रॉसिंग तक सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से करवाया खाली। एडीएम सिटी ने कहा, आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ चलता रहेगा अभियान, दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कठोर कार्यवाही। वासंतिक चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर गोरखनाथ मंदिर स्थित मां दुर्गा के गर्भगृह में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने स्थापित किया कलश। सायंकाल गौरी गणेश पूजन भगवती पाठ कर किया आरती, वितरित किया गया प्रसाद। महानगर के एंटी रोमियो व शेरनी दस्ता टीम ने एंटी रोमियो प्रभारी प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया नौकायन से काली मंदिर तक मार्च। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में दी जानकारी। कहा, किसी भी तरह की समस्या होने पर पुलिस को दे तत्काल सूचना। बीती रात परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा ड्यूटी में लगे गीडा थाना क्षेत्र के सिपाही कविंद्र नाथ यादव की करंट लगने से हुई मौत। पुलिस परेड ग्राउंड पर एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस स्मृति स्थल पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखपुर में चल रहे पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 का हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ PNM सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट यूरोकिड्स प्री स्कूल सिटी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर किया गया जोरदार स्वागत। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक पखवाड़ा के जरिए ही पूर्वांचल से इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी को किया गया है नियंत्रण। और चैत्र रामनवमी के पहले दिन जिले के सभी मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने कहा, चैत्र रामनवमी में 9 दिन मां की पूजा अर्चना करने से पूरी होती है मनोकामना।